अडानी के मुद्दे पर हंगामा जारी, जेपीसी बनाने की मांग के लिए विपक्षी सांसदों ने किया अनोखा प्रदर्शन, मोदी सरकार की चुप्पी पर भी सवाल। अडानी के मुद्दे पर सदन में गतिरोध जारी है। इसी बीच एक बार फिर से मंगलवार को सदन में अडानी के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। यहां तक कि जेपीसी की मांग के लिए अब कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों ने नया तरीका अपना लिया है। मंगलवार को इसकी वानगी दिखी जब संसद की पहली मंजिल पर कांग्रेस समेत दूसरे विरोधी दलों ने जोरदार प्रदर्शन किया। एक बार फिर देखिए प्रदर्शन का वीडियो। खास बात यह रही कि टीएमसी सांसदों ने भी विजय चौक पर जेपीसी की मांग को लेकर मोदी सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान टीएमसी सांसदों ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की मांग तक कर डाली। दरअसल लोकसभा और राज्यसभा में कांग्रेस समेत कमोबेश सारे विरोधी दल गौतम अडानी और पीएम मोदी के रिश्तों पर सवाल पूछ रहे हैं। कुछ दिनों पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम मोदी पर गौतम अडानी का नाम लेकर गंभीर आरोप लगाए थे। हंगामा बढ़ा तो राहुल गांधी के भाषण को सदन की कार्यवाही से हटा दिया गया। इन सब के बीच अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग तेज हो गई तो दूसरी तरफ बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ी रही। नतीजा ये हुआ कि सदन की कार्यवाही हंगामा के चलते स्थगित है। इसका ठीकरा बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर फोड़ रही है। हालांकि कांग्रेस के पास अपना तर्क भी है कि ये ड्रामा हो रहा है क्योंकि राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दोस्त के कारनामों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं और घबराई हुई भाजपा रोज नया नया शिगुफा छोड़ रही है, रोज आपका ध्यान बंटवाने की कोशिश कर रही है, रोज आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, रोज सवालों से बचने की कोशिश कर रही है और ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए कि संसद में प्रधानमंत्री बैठे हों और राहुल गांधी खड़े होकर फिर से अडानी जी का नाम ले लें। यह घबराहट है। असली ड्रामा जो हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है। हम फिर जानना चाहते हैं आप जेपीसी का गठन क्यों नहीं कर रहे। हम फिर जानना चाह रहे हैं कि आप जब राहुल गांधी गौतम अडानी का नाम लेता है संसद में, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब नाम लेते हैं तब आप वो शब्द क्यों एक्सपंज कर देते हैं, तब क्यों आप कार्रवाई से वो शब्द निकाल देते हैं। लोकतंत्र के जयचंद बनना है बनिए, फिर ये मत कहिएगा बाद में कि ये इतिहास में फिर हमें जयचंद क्यों कहा जा रहा है। इतिहास में आपको जयचंद ही कहा जाएगा अगर आप इस तरह से अपने दोस्त को ज्यादा तवज्जो दोगे और देश को नहीं दोगे। हम फिर आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब आप देश की सोचेंगे दोस्त की नहीं। बता दें कि संसद के बजट सत्र के दूसरे सेशन में भी जोरदार हंगामा हो रहा है और तमाम उम्मीदों के बावजूद जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पा रही है। देखना होगा संसद से लेकर सड़क तक जारी सत्ता पक्ष और विपक्ष का गतिरोध कब खत्म होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।